पूरा इस तरह से रखना देखिए। बड़ा सुंदर एक उपराला किया है कारजो सरदार अमरीक सिंह जी रीन वाले कि जेड़े हर किसी नूं मोतवर व्यक्ति नूं इत्थे बुला के अज इत्थे एक एक बूटे ने इत्थे लगवा रहे ने। गुरु साहिब कृपा करन हर थां ते हर एक मनुख का फर्ज बन जांदा है जिथे भी किते थां मिलदी है उत्थे एक एक बूटा लगावे ताकि उस दे नाल हरियाली भी हो सकती है उस दे नाल सुख दा साधन भी हो सकता है। गुरु साहिब कृपा करन इतनी सेवा प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। वाहेगुरु जी की फतेह। अज सीता ग्रैंड वेंकट हाल विखे साढ़े नाल सत्कारयोग सरदार अमरीक सिंह जी रीनवीर जी वो भी खड़े ने नाल सारे सत्कारयोग रागी साहब हरप्रीत सिंह जी साढ़े प्रफुल्लत वीर जी बाग सारे खड़े ने सरदार सुरेंद्र सिंह जी कि जो हरियाली नूं मुख रखते हुए इत्थे एक अभियान चलिया होया है कि जिहड़ा देश नूं हरा रखना है समाज नूं खुशहाल रखना है उहदे लई कि जिहड़ा ये जरूरी है कि घर घर जिहड़े हरियाली रखने लई असीं बूटियां दी जो मुहिम शुरू की गई है उहदे विच मैं कहांगा सत्कारयोग सरदार अमरीक सिंह जी उहनां वल्लों जो योगदान पाया जा रहा है उहनां दे वेंकट हाल विच ये अज पौधे लगा के क्योंकि इस वेले मौसम ही ऐसा है इस मौसम विच जितने भी फलदार बूटे होण जां दूसरे बूटे होण मौसमी और जरूर हरे हो के समाज लिए एक खुशहाली का माहौल बनता क्योंकि जिते भी देखिए जंगलों भी देखिए अगर बूटे की तादाद घटती जा रही है और साड़ा जिहड़ा मौसम में तब्दीली आन का कारण ये हुई है कि जिहड़े साढ़े घरां चों हरियाली खत्म हो रही है और मैं महसूस कर रहा कि जे एक जरूरी अंग है जिंदगी का साधन खुशहाल बनाने लई साढ़े घरां विच हरियाली होनी चाहिए है और हरियाली नूं सामने मुख रखते हुए ये जिहड़े दरख्त लगाने पौधे लगाने बहुत लाजमी ने तो अज इस स्थान पर लगा के असं सारे लगा रहे हैं अपना फर्ज निभा रहे हैं और कोशिश करिए कि एक हर घर में कोशिश करके जोड़े पौधे लगाए जाता कि घर में हरियाली हो और फलदार बूटे हो दूसरे दरखत हो जिन्ह के नाल हरियाली होने के कारण साड़ा वातावरण खुशहाली आती है वातावरण हरियावल हों और एक बड़ा मौसम बड़ी अच्छी तब्दीली होंगी है। इसलिए असं सारे ही मैं कहांगा सत्कारयोग सरदार अमरीक सिंह जी उन्होंने जोड़े सारे खड़े उन्होंने वालों उन्होंने धन्यवाद कर रहे हैं कि जिन्होंने नाल होकर यह मुहिम शुरू की है और उद्दे ही सब तो बड़ा योगदान जो साढ़े वीर हरप्याज सिंह जी जिन्हों वालों अज इतने एक इवेंट रखा गया सी इवेंट की समाप्ति तो बाद सारे ही पौधे लगाने की जी मुहिम उन्होंने वालों उन्होंने पूरी टीम वालों और खास करके जो एक बाणी चैनल इस मुहिम को कवर कर रही है उन्होंने पूरी टीम का असी अपने वालों खास करके पूरी टीम वालों मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। आज बहुत ही खुशी हो रही है कि जिन्हें भी इतने मौजूद जिन्हें भी वीर जी ने उन्होंने सारे ने एक रुख प्लांट किया है क्योंकि असं देख रहे हैं अजकल दे माहौल जो है प्रदूषित माहौल ने जिन्हें करके असं ये भी अजकल ये बहुत प्रोमीनेंट की जेनेटिक म्यूटेशनस हो रही ने जस्ट बिकॉज ऑफ कि असी जो साडा एनवायरमेंट है सा जो पेस्टिसाइड्स असी यूज़ कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग साड़ी नहीं हो रही तो उन्होंने करके जो है बहुत सारी हेल्थ इशूज़ आ रही हैं तो हेल्थ इशूज़ में लैके बहुत व्डा उपराला अंकल जी ने भी किया है तो वी आर वेरी थैंक फुल टू यू। तो असी रुख जो प्लांट किया यही मैसेज असी देना चाहवागे कि सारे सीता ग्रैंड रिजॉर्ट के अज प्लांट किया तो असी यही मैसेज देवे कि अपनी तरफों जिन्ना एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं असी अपने तौर पर करिए।
वाहिगुरु जी का खालसा बड़ा सुंदर एक उपराला किया है कारजो सरदार अमरीक सिंह जी रीन वाले कि जेडे हर किसी नूं मोतवर व्यक्ति नूं इत्थे बुला के अज इत्थे एक एक बूटे ने इत्थे लगवा रहे ने गुरु साहिब कृपा करन हर थां ते हर एक मनुख का फर्ज बन जांदा है जिथे भी कितें थां मिलदी है उत्थे एक एक बूटा लगावे ताकि उस दे नाल हरियाली भी हो सकती है उस दे नाल सुख दा साधन भी हो सकता है। गुरु साहिब कृपा करन इतनी सेवा प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Run, run, run.